विकास नगर से है, जहां आपसी लेन देन के विवाद में एक व्यक्ति ने पत्थर मारकर युवक की आंख फोड़ दी। पैसे के लेन देन को लेकर युवक का ठेले वालों से विवाद भी हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि ठेला लगाने वाले दो लोगों ने पत्थर मारकर युवक की आंख फोड़ डाली। घटना के बाद युवक को विकास नगर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया। वहीं दूसरी ओर युवक पर हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इस घटना से गुस्साए लोगों ने बाजार चौकी पर हंगामा करते हुए पुलिस से आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। तो वही घायल युवक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अभी थोड़ी देर पहले एक स्थानीय युवक को दो ठेली वालों ने आपसी विवाद के बाद मार की है, उसकी आंख काफ़ी डैमेज हुई है और उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पब्लिक के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया है कि बाहरी तत्व क्षेत्र में आकर के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो रहे हैं। इसमें उनके परिजनों की द्वारा तहरीर दी जा रही है और तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं का भी पंजीकृत कर अभी तो की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि दो पक्षों का विवाद था और जो एक घायल युवक है ये जब वहाँ पहुँचा तो उस पर हमला कर दिया गया